जहां 21 कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है और वो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा मैं बता ही चुका हूं फराजखाना और तुरकमान गेट पर भी केसेस सामने आए हैं जो पॉजिटिव हैं। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घरों में चले जाइए, नमाजें अपने घरों पर अदा करें, जामे मस्जिद में अजान होगी, नमाज भी होगी, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। सिर्फ मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही बाजमात नमाज अदा करेंगे, यानी नमाजें बाजमात होंगी। मस्जिद में भी इसी तरह से हो कि इमाम मौजिन खतीब जो लोग मस्जिद में मोहल्ले की मौजूद हैं वही अदा करें और बाकी तमाम शहरी अपने अपने घरों में ही नमाजें अदा करें। और जैसे कि उलामा ने अपील जारी की है और फरमाया है कि घरों में जो भी लोग नमाज पढ़ेंगे उसका अजर भी इंशाल्लाह पूरा मिलेगा। यार अब फिर मैं कहूंगा एहतियात बरतें। इक्का दुक्का मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो सड़कों पर खड़े हैं, वो घरों में वापस जाएं। ओ भाई